राम रघुवर की प्राण पिया भजोरे मन सिया सिया राम। रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो कल तक हम कथा में थे, श्री भरत जी प्रभु से मिलन करके श्री धाम अयोध्या में जाते हैं। प्रभु का वनवास आगे बढ़ता है और एक लीला हुई महाराज। इंद्र का एक पुत्र है जिसका नाम है जयंत। एक दिन प्रभु बैठे हैं और श्री जानकी जी प्रभु का रोज श्रृंगार करती थी फूलों से, लेकिन प्रभु ने कहा जानकी जी आज आप नहीं, मैं आपका श्रृंगार करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे आगे की लीला आपसे ही शुरू होने वाली है। तो प्रभु श्री जानकी जी के बालों में फूल सजाने लगे, हाथों में फूल। तभी इंद्र के पुत्र ने देखा कि ये इसको सारी दुनिया कहती है ये राम है जो परब्रह्म है, लेकिन यह तो पत्नी प्रेम में डूबा हुआ कोई कामी व्यक्ति लगता है महाराज, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कौवा बन करके
और श्री जानकी जी के चरणों में चोंच से प्रहार किया और रक्त निकाल लिया। अब जैसे ही श्री रघुनाथ जी ने जानकी जी के चरणों में निकलता रक्त देखा तो एक कुशा का तिनका उठा करके और संधान करके जयंत के पीछे लगा दिया। जयंत पूरे ब्रह्मांड में भागता है, सबकी शरण में गया, ब्रह्मा जी की, शंकर जी की, यहां तक कि अपने पिता इंद्र की, लेकिन किसी ने शरण नहीं दी, क्योंकि जो भगवान श्री राम का शत्रु हो जाए उसे तो कौन शरण दे सकता है महाराज। अंत में संत कृपा हुई, देव ऋषि नारद जी मिले और नारद जी ने कहा कि जिसका तुमने अपराध किया है क्षमा तो उससे मांगनी चाहिए, नियम तो यह है। हम किसी की पीठ पीछे किसी की भी बात कर देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, जब बात उस तक पहुंचती है तो हम एक दूसरे को बोलते हैं कि मेरी बात खत्म करवा। लेकिन रामायण का क्या सिद्धांत है, जिसकी तुमने बुराई की है स्वयं ही जाकर उससे क्षमा मांगो, वो तुम्हें क्षमा अवश्य करेगा और क्षमा ही नहीं करेगा, तुम्हारे लिए दिल में उदारता भी रखेगा। महाराज जयंत ने क्षमा मांगी, प्रभु ने क्षमा कर दिया, लेकिन कहा जयंत तुमने जो अपराध किया है उसके लिए मृत्यु दंड होना चाहिए था और प्रभु ने उसकी एक आंख फोड़ करके छोड़ दिया। और तब से लेकर आज तक पूरे कौओं की जितनी प्रजाति है वो एक आंख से देखती है, दूसरी आंख से नहीं दिखता। और इस कलयुग में कौए की ही आयु सबसे बड़ी है, कौए की आयु इस कलयुग में 1000 साल है। बड़े कम कौए मरे हुए देखे होंगे आपने, मिलता ही नहीं कोई मरा हुआ। इस कलयुग में भी कौए की आयु 1000 साल है और कौआ महाराज ही भगवान नारायण के वाहन गरुड़ को कथा सुना रहे हैं, काकभुशुंडी वो भी कौआ है, उनकी तो अनंत आयु है महाराज। उस लीला के बाद एक दिन लक्ष्मण जी गए हैं वन में तो राम जी ने कहा है श्री जानकी जी आपको याद है मैंने कहा था अब आगे आपकी लीला शुरू होगी, तो कहिए स्वामी मेरे साथ चलिए। लेकर के गए कहां, अग्नि ऋषि के आश्रम में। कहां लेकर गए महाराज, अग्नि ऋषि के आश्रम। हम वो बड़ी बार मंत्रों में बोलते हैं ना अग्नि ऋषि अनुष्टुप छंदः, तो वही अग्नि ऋषि हैं। और अग्नि ऋषि की एक पुत्री है जिसका नाम है वेदमती। अब वेदमती जो है वो नारायण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन एक दिन रावण ने स्पर्श किया तो वेदमती ने कहा ये शरीर दूषित हो गया, अब अगले जन्म में मैं नारायण से विवाह करूंगी, लेकिन हे रावण तेरे काल का कारण मैं बनूंगी। वही वेदमती उस प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है जो अग्नि ऋषि की पुत्री है। राम जी ने श्री जानकी जी को अग्नि ऋषि को दिया और वेदमती को लेकर आए। अब हरण मां जानकी का नहीं हुआ है, हरण मां जानकी का नहीं हुआ है। जिस मां जानकी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है उद्भव स्थिति संघार कारिणिम क्लेश हारिणिम सर्वश्रेष्ठ सीताम न तो हम राम बल्लभाम। जिस जानकी जी की एक पलक झपकने से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, उस श्री जानकी जी को रावण स्पर्श कर सकता था महाराज, उस श्री कमला विमला को कौन स्पर्श कर सकता था। उसका तो तेज भी ऐसा है कोटि सूर्य कोटि समप्रभा, 100 करोड़ सूर्यों से अधिक जिसका तेज हो, जिस अहलादनी शक्ति की शक्ति से ही भगवान राम इस संपूर्ण सृष्टि में लीलाएं करते हैं, जिस शक्ति का ये यज्ञ है, जिस शक्ति की शक्ति से ही, जिस शक्ति के बल से ब्रह्मा जी रचना, विष्णु जी पालन और शंकर जी संहार करते हैं, उसको एक तुच्छ सा रावण महाराज हाथ लगा जाए तो किसको लेकर के आए, वेदमती को। लेकिन लक्ष्मण को क्यों नहीं पता पड़ा कि ये सीता जी नहीं वेदमती हैं, क्योंकि लक्ष्मण हमेशा ही भाभी को मां मानते हैं और भाभी और देवर का रिश्ता कैसा, लक्ष्मण जी ने कभी चरणों से ऊपर देखा नहीं, चेहरा कभी देखा नहीं, इसलिए पता नहीं है वेदमती है कि सीता जी है।
वही वेदमती जी को चुपचाप बैठा दिया कुटिया में। वेदमती जी लीला करनी है, वेदमती जी ने कहा जैसी आज्ञा। ऋषि जानकी जी हैं अग्नि ऋषि के पास, उनकी पुत्री बन के। तो एक दिन वहां पर घूमती कौन आई, शूर्पणखा महाराज। अब शूर्पणखा जो थी वो विवाहित थी, कुंवारी नहीं थी। कालके नाम का एक बड़ा अधर्मी हुआ, उसका पुत्र था विद्युत जीव से उसका विवाह हुआ था। लेकिन रावण एक बार विश्व विजय करने के अभियान पर निकला तो विद्युत जीव रास्ते में आया, कहा मेरे आगे हार मान। उसने कहा साला तू मेरा है, मैं तेरा नहीं, मैं तेरा जीजा हूं, तू मान। दोनों में युद्ध हुआ तो रावण ने अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ दिया, विद्युत जीव को मार दिया। उस दिन शूर्पणखा ने मन में संकल्प किया, रावण तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, मेरे सुहाग का नाश किया, मैं तेरे संपूर्ण कुल का नाश करूंगी। सब और जाती है लेकिन सब देवता रावण से डरते हैं। लेकिन जैसे ही राम जी को देखा, अरे ये तो नारायण है, रावण को मारेगा। हे नारायण मैं आपकी भक्तन हूं, रावण को मारिए। तो प्रभु ने कहा कोई पंगा तो बना दो, बिना वजह क्यों मारू उसको। तो हे स्वामी मैं प्रार्थना करती हूँ। राम जी ने कहा नहीं नहीं, दूर से ही दुनिया को पता ना चले कि मेरी और तुम्हारी क्या लीला है। नहीं तो महाराज शूर्पणखा ने कौन सी ऐसी बात गलत कह दी जो हम भगवान को नहीं कहते हैं। शूर्पणखा ने यही तो कहा था तुम मेरे पति बन जाओ, और हम तो रोज कहते हैं स्वामी तुम मेरे प्राण पति आरती। शूर्पणखा भक्तन थी, मानस के किसी भी चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपनी ओर देखो। तुम एक उंगली उठाओगे तो तीन तुम्हारी तरफ है, उसमें एक दोष तो तुम में तीन है। शूर्पणखा ने कहा मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं। तो हम सब भी तो भगवान की पत्नियां हैं, हम आत्मा है, आत्मा फीमेल है, वो परमात्मा है, वो मेल है, परम पुरुष है। स्वामी तुम मेरे प्राण पति। और शूर्पणखा यदि दुष्ट होती तो भगवान उसको मारते, लेकिन भगवान ने उसको कुब्जा बना करके तारा, मारा नहीं तारा, उसको तारा मारा नहीं। वही शूर्पणखा जब गई, लेकिन शूर्पणखा भक्त नहीं, लेकिन शूर्पणखा को शूर्पणखा के रूप में ही क्यों नहीं तारा, क्योंकि शूर्पणखा में एक चीज ऐसी है जो भगवान को कभी पसंद नहीं, वो है शूर्पणखा में अभिमान अपनी सुंदरता का। और भगवान कभी अपने भक्तों में अभिमान नहीं रहने देता, भगवान का पहला लक्षण है। नारद में अभिमान हुआ, मैंने काम जीत लिया, हे भगवान विश्व मोहिनी से विवाह करना है, अपना सुंदर मुख दे दो। भगवान ने सुंदर नहीं बंदर मुख दे दिया। भगवान अभिमान का शत्रु है, और जो जो अपने आप को भक्त कहता है कभी वो अभिमान छोड़ दे महाराज तो समझ लो यही जन्म हमारा अंतिम जन्म है, फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। शूर्पणखा में सुंदरता का अभिमान है, इसलिए अपने दास से कहा लक्ष्मण सबसे पहले इसके अभिमान का नाश करो। लक्ष्मण ने नाक और कान काट लिए। अब शूर्पणखा का रूप गया तो पक्की भक्तन बन गई। प्रभु क्या करूं, जाओ राक्षसों को भेजो बारी बारी, सीधे रावण को भेजो नहीं, रावण अंत में पहले जो छोटे छोटे हैं उनको मरवाओ। ले आई महाराज खड़ दूषण और त्रिशिरस को। अब भगवान ने क्या महाराज, जैसे जैसे अग्नि के ऊपर वो कीट पतंगे उछलते हैं और उछल उछल करके जलते हैं, वैसे जला दिए सब। फिर गई रावण के पास, हे भैया मेरी नाक कान काट दी। किसने काटी? दो बनवासी हैं, क्या नाम है? राम और लक्ष्मण। अच्छा तो तुमने कुछ गलती की होगी। नहीं मैं तो चाहती थी उनके साथ एक सुंदरी आई है जिसका नाम है श्री जानकी। जैसे ही नाम सुना रावण ने, जानकी जी ये तो वही है जो कमल से निकली थी, और कमल से निकल करके राक्षस मेरे पास लाया था, और मैंने देखा था कि ये तो जगन माता है और मुझे और मेरे कुल को तारने के लिए आई है, इसलिए उसे रावण ने कलश में डाल करके समुद्र को दिया, और समुद्र से धरती माता ने लिया, और धरती माता से जनक जी को मिली। ये तो वही है।
पहले सोचा रावण ने, क्यों ना मैं भगवान की शरणागति, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके तर जाऊं, लेकिन मैं तर गया तो मेरे भाई कैसे तरेंगे, मेरे पोते कैसे तरेंगे, मेरा कुल कैसे तरेगा। इसलिए कहा भगवान मेरा तुमसे सच्चा प्रेम है, अगर प्रेम भी करूंगा तो तुमसे और शत्रुता भी करूंगा तो मरज तुमसे। तुम कुछ कर लो भगवान के साथ, प्रेम कर लो शत्रुता कर लो, वो निभाना जानता है, लेकिन ना ही तुम प्रेम करते हो और ना ही शत्रुता करते हो, तुम बीच में रहते हो। मन की मुराद पूरी होगी तो खुश, नहीं हुई तो है फिर तीन चार दिन बाद फिर से लोटा लेके सिर पे चल फिर सुन ले, ऐसा नहीं होता महाराज। भक्ति सीखनी है तो रावण से सीखो। भक्ति प्रेम पूर्वक भी होती है और भक्ति शत्रुता पूर्वक भी होती है। शुक्राचार्य ने भगवान से शत्रुता की है, लेकिन इतिहास गवाह है बृहस्पति से ज्यादा इंटेलिजेंट शुक्राचार्य है महाराज। बृहस्पति को कुछ नहीं आता, अपने पुत्र को भेजा है शुक्राचार्य का चेला बनने के लिए, जाओ संजीवन सीखो इससे, संजीवन विद्या यही जानता है। करतूत में शुक्राचार्य बृहस्पति से कहीं बड़ा है, कहीं बड़ा। बृहस्पति में इतना सामर्थ्य नहीं कि शास्त्रार्थ में शुक्राचार्य के समीप बैठ सके, लेकिन शुक्राचार्य आज भी सब याद करते हैं। आज भी किसी की कुंडली में शुक्र उच्च हो तो महाराज उससे अधिक बढ़िया किसी को सुख संपदा नहीं मिलती। आज भी शुक्र उच्च हो, बृहस्पति तो आदमी को मोटा कर देता है, मोटा हो जाता है। बुद्धि भी, बुद्धि नहीं, बुद्धि का देवता तो सूर्य है, बृहस्पति तो सेहत का देवता है, मोटा हो जाता है आदमी। और शुक्राचार्य शुक्र यदि कुंडली में उच्च स्थान पर हो तो आदमी धन संपन्नता से संपन्न होकर वैभव पूर्वक जीवन जीता है, ये शुक्र का लक्षण है। आकर्षक होता है, हर कोई उसको देखना चाहता है, हर कोई उसको सुनना चाहता है, हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है। रावण ने मन बनाया शत्रुता करूंगा, लेकिन राम को नहीं देखा, लक्ष्मण को नहीं देखा, जानकी जी को नहीं देखा, पहचानूंगा कैसे। याद आया जिस समय भगवान ने विश्वामित्र के यज्ञ की रचना रक्षा की थी, उस समय सुबाहु मारीच ताटका ये तीनों गए थे और मारीच जिंदा है, मारीच पहचान जाएगा ये राम है, और राम के साथ जो भी पत्नी होगी उसको भी पहचान जाएगा। तो मारीच के पास पहुंचा और मारीच को कहा सोने का हिरण बनो जाओ, और उनको राम जी को सीता जी से दूर करो। मारीच ने कहा मुझे बिना नोक का बाण मारा था तो सो जोजन गिरा, इस बार नोक चढ़ा दी कहीं पे तो मेरा क्या होगा जानता है, और मेरा छोड़ उन्हें पता चला कि तूने भेजा है तो तेरा क्या करेंगे। तो रावण ने कहा मरना तो वहां भी है यहां भी, अब मेरे हाथ से मरना कि उधर से। तो उसने कहा नहीं, तेरे मरने, तेरे हाथों मरने से अच्छा भगवान के हाथों मरना। चला महाराज सोने का हिरण बन करके। अरि कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय काय अपहरण कराने, माया का मारीच चला माया पति को भटकाने, माया का मारीच चला कंचन मृग बन कर आया, 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 सिय काय अपहरण कराने, माया का मारीच चला माया पति को भट
सीता बोली वो देखें स्वामी यह मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। संत से सोने का हिरण और भगवान है राम, यदि भगवान है तो पहचान क्यों नहीं सकते कि ये छल है, ये हिरण नहीं, ये राक्षस है, क्यों नहीं? तो वाल्मीकि रामायण का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, असंभवम हेम मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलुभे मृगाय। जिस समय श्रीमद जानकी ने जिद की, प्रभु ये हिरण चाहिए क्यों? अरे हम वनवास गए हैं, कोई निशानी लेकर लेके जाएंगे इसको, ये खेलेगा कूदेगा, हमें हमारे बनों की याद दिलवाएगा, हमारे वनवास की याद दिलवाएगा। तो राम जी ने कहा असंभवम हेम मृगस्य जन्मः। हेम कहते हैं सोने को, जानकी जी सोने का हिरण नहीं होता, ये कोई राक्षस है। असंभवम हेम मृगस्य जन्मः तथापि रामो लुलुभे मृगाय। फिर भी राम लालायित होकर लालसा में उसके पीछे पीछे भागे, क्यों मारा? तो राम जी के मन में बात आई, आज तक श्री जानकी जी ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज तक टिल डेट। मेरी पत्नी ने, मेरी प्रियतमा ने, मेरी प्राणवल्लभा ने, मेरी प्रियसी ने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। पहली बार मेरी श्री जानकी जी ने मुझसे कुछ मांगा है, पहली बार। जानते हैं ये हिरण
हिरण नहीं है, सोने का हिरण नहीं होता, राक्षस है, जानते हैं मैं गया तो रावण पीछे से ले जाएगा, दोनों का वियोग हो जाएगा, दोनों के शरीर दूर हो जाएंगे, लेकिन महाराज मन में दरार ना पड़े, पहली बार मैंने कुछ मांगा और मेरे भगवान ने दिया नहीं, मन दूर ना हो इसलिए शरीर दूर करना स्वीकार कर लिया, इसे कहते हैं प्रेम। ये प्रेम की पराकाष्ठा, ये ताजमहल प्रेम नहीं है, ये तो उसकी बड़ी सारी थी, दर्जन से ज्यादा थी बीबियां उसकी, वो तो मर गई, एक दफना दी तो कुछ नहीं, प्रेम की निशानी है तो राम सेतु है महाराज। अरे एक निशानी बनी तो बनाने वाले के हाथ कटवा दिए, और एक निशानी बनी तो महाराज पानी पर पत्थर तरवा दिए, क्या इसको प्रेम कहते हैं। श्री जानकी जी पहली बार कुछ मांगा है, कैसे ना कर दो, पीछे पीछे भाग गए बिना कुछ सोचे, जानते हैं नीचे से ले जाएगा रावण, लेकिन भागे कि मेरे जानकी जी के मन में ये ना आए कि पहली बार कुछ मांगा और उसने भगवान ने उसमें भी आनाकानी कर दी, टाल मटोल कर दी, महाराज मारीच को मारा बाण और मारीच ने मुंह से कहा हे भैया लक्ष्मण रक्षा। अब जानकी जी नहीं है, वेदमती है, कांप गई, हे लक्ष्मण देखो कौन है, लक्ष्मण ने कहा कोई भी हो आपको क्या मतलब, मुझे आपकी सुरक्षा मुझे दी है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम इतने इतने कायर हो गए, तुम्हारा भाई तुम्हें पुकारता है, तो लक्ष्मण जी ने कहा मां जितना मैं जानता हूं राम जी को इतना तुम जानती हो, उनका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, चिंता मत करो। तो माँ ने कहा ऐसा नहीं लक्ष्मण, तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें दुहाई है तेरी, तुम्हें कसम है मेरी, लक्ष्मण मेरे देवर तेरी रक्षा दी लोड़, लक्ष्मण मेरे लक्ष्मण मेरे देवर तेरी रक्षा दी लोड़, लक्ष्मण मेरे देवर तेरी रक्षा दी लोड़, रक्षा दी लोड़ तेरी रक्षा दी लोड़, रक्षा दी लोड़ तेरी रक्षा दी लोड़, लक्ष्मण मेरे देवर तेरी रक्षा दी लोड़, लक्ष्मण मेरे देवर तेरी रक्षा दी लोड़। देवे राम दुहाई मुश्किल पेश है आई, 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 होवे जाके सहाई होवे जाके लोड़, लक्ष्मण मेरे देवर तेरी रक्षा दी लोड़, लक्ष्मण मेरे देवर तेरी रक्षा दी से आना बेहतर आपका जाना, टूटे आप से आना बेहतर आपका जाना, टूटे आप से आना बेहतर आपका जाना, टूटे आप से आना बेहतर आपका जाना, जाइए देर ना लगाना, जाइए देर
राक्षस मरोड़ लक्ष्मण मेरे देव तेरी रक्षा दी लोड़ लक्ष्मण मेरे देव रे तेरी रक्षा दी लोड़ रक्षा दी लोड़ तेरी रक्षा दी लक्ष्मण मेरे देवर तेरी रक्षा दी लोड़ लक्ष्मण मेरे देवर तेरी रक्षा दी लोड़ तेरी रक्षा दी लोड़ तेरी रक्षा दी लोड़। तभी लक्ष्मण जी को जब दुहाई दी तो लक्ष्मण अपने बाण से एक रेखा खींचते हैं महाराज और कहा मां ये मर्यादा की रेखा है इसको कभी लांघना मत। गर्क दहलीज आज भी सबके लिए मर्यादा है जो नारी बिना पति और बिना सास ससुर की आज्ञा के उल्टे सीधे कपड़े डाल करके बहुत श्रृंगार करके बाहर निकले तो समझ लो उसने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया और रावण की ही तरह उसकी भी अस्मिता का कोई हरण करके ले जाता है। अरे आज्ञा से तो उसकी घर के बाहर जाना चाहिए जिसे 36 गुण मिले हैं और किसी फोन वाले के साथ लड़की बाहर गई तो 35 टुकड़े हो जाएंगे। 36 गुण अच्छे हैं 35 टुकड़ों से। 36 गुण 7 जन्म तक चलते हैं और 35 टुकड़े तो बस महीने डेढ़ महीने का काम है। इसलिए मर्यादा को मत लांघो। तुम सबका कसूर है। तुम्हारी लड़कियां आज भी पैंट शर्ट डाल के मंदिर में आती हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं इस कल्चर को चेंज करो। ये मंदिर की पवित्रता है मर्यादा है और तुम क्या उस बाप को भी शर्मानी चाहिए जो बेटी को स्कूटर के पीछे पैंट डलवा कर बैठा रहा। लज्जा नहीं आती? दुनिया देखती है तुम्हारी लड़कियों के अंगों को, क्या सोचती है देख के तुम्हें अच्छा लगता है मेरी लड़की को देख रही है ऐसे? डूब जाना चाहिए ऐसे बाप को, मर जाना चाहिए। कम से कम मंदिर का तो परहेज करो। साधु संत हैं, विश्वामित्र की समाधि काम से भंग हो सकती है तो हम क्या है महाराज? मन में हमारे भी बुरा भाव आ गया तो हमारी तो हो गई यहीं पे कथा, राम नाम हो गया हमारा। हमारा तो तुमने पथ भ्रष्ट कर दिया, इसलिए कुछ ढंग का पहनवा कर लाओ। तुमसे विनती है जब भी मंदिर में आना, पुरुष हो चाहे नारी हो, दोनों के ही शुभ्र भेष में होना चाहिए। दोनों का ही लिबास ऐसा होना चाहिए जो मर्यादा के भीतर रहे, मर्यादा को तोड़े ना। बाकी सुंदरता कपड़ों से नहीं, सुंदरता लिपस्टिक से इससे नहीं, सुंदरता तो महाराज मन की है। और जो सुंदर है वो सुंदर है, भगवान भी उसको सुंदरता देकर भेजता है, इसमें दिखाने की कोई चीज नहीं। और दिखाना किसको है? जिसको दिखाना था उसने तो विवाह कर लिया तुम्हारे साथ, और किसको दिखाना? श्रीमद जानकी जी बैठी हुई है महाराज। लक्ष्मण जी ने मना किया है, मां लक्ष्मण रेखा को मत लांघना। लांगी तो रावण हरण करके ले गया। और अब जब भी हमारी कोई लड़की उस परिवार की इज्जत रूपी लक्ष्मण रेखा को लांघती है तो कोई लव जिहादी उड़ा करके ले जाता है महाराज। और हमारे दिल इतने बड़े नहीं राम के साथ की वापस स्वीकार कर लेंगे। हम तो मरने देंगे, जा मर जा, तेरे साथ कोई लेना देना नहीं। या तो हम राम की तरह हो ना कि श्री जानकी जी वेदमती रूप में ही रही इतनी देर, लेकिन फिर से स्वीकार किया। लेकिन स्वीकार करने से पहले अग्नि परीक्षा देनी पड़ी महाराज। हम भी स्वीकार कर लेंगे, तुम अग्नि परीक्षा तो दो। दोनों ही तरफ से सोचो। और ऐसी नौबत ही ना आए इसलिए उस लक्ष्मण रेखा को मत लांघो। बेटी अगर बिगड़ती है तो माँ का सबसे बड़ा रोल होता है। माँ का, माँ जानती है फिर भी पर्दे डालती है।
पुत्र बिगड़ता है तो माँ का रोल है, माँ जानती है फिर भी पर्दे डालती है। अरे पिता तो दिहाड़ी लगाने वाला है, सुबह जाएगा शाम को तुम्हारे वो फुलके पूरे करेगा, खाना पूरा करेगा या तुम्हारे पीछे पीछे रहेगा। इसलिए सुधरो, अब पुनः ऐसी स्थिति हमारे सामने ना आए महाराज। जैसे ही लक्ष्मण जी गए तो सोन बीच दशकंदर देखा, आवा निकट जति कर अकेले देखा और आया क्या बन करके, साधु बन करके आया। अब जो जो हमारे हमारे वो 35 टुकड़े वाले हैं ना, वो भी तिलक कलावा लगा के आते हैं बन के, वो भी सनातनी आते हैं। आवा निकट जति कर भेषा। और राम जी रावण को छोड़ भी देते, नहीं मारते, लेकिन राम जी ने कहा तू मेरे सनातन को बदनाम करने के लिए साधु का रूप बनाकर आया, मर्ज तुझे तो मारना ही मारना है। और जैसे ही रावण आया, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं कर पाया। अब वो लक्ष्मण रेखा क्या है महाराज? वो लक्ष्मण रेखा है हमारे बड़ों की नजर, सास ससुर की नजर, माता पिता दादा दादी की नजर जो हमारे ऊपर रहती है, कौन आया कौन गया। और हमने जैसे ही दादा दादी को निकाला घर से, अपना घर अलग, तो लक्ष्मण रेखा टूटी और आया कोई अंदर ले गया। इसलिए उस बुजुर्गों की रेखा को मत तोड़ो, तुम तोड़ते हो, तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा कसूर है महाराज। उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ा किसने? तुमने तोड़ा। बूढ़े हैं कौन सेवा करेगा? अच्छा कठुआ में है, चलो जम्मू में मकान बनाते हैं, बूढ़े बूढ़ी यहाँ, लक्ष्मण रेखा यहाँ पे, तुम और तुम्हारी लड़की वहां पे, और फोन पे सेटिंग हुई। तुम 36 गुण मनाने के चक्कर में रहे, कोई 35 टुकड़ों वाला ले गया उसको। सोन बीच दशकंदर देखा, आवा निकट जति कर भेषा। रावण आया तो साधु का रूप बनाकर, और 35 टुकड़े वाला आएगा तो हाथ में कलावा बांध के सिर पे तिलक लगा के। लेकिन उसमें और हम में एक चीज है जो वो नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं, हम शिखा रखें, वो नहीं रख पाएगा। हम जनेऊ डालें, वो नहीं डाल पाएगा। तुमने शिखा रखना छोड़ दी, इसलिए हमारी लड़कियां असुरक्षित हो गई। आज लड़की के पीछे कोई लगा हो तो महाराज वो किसके पीछे छुपे? जो राम को मानने वाले हैं उनका भी माथा खाली है सिर पर शिखा नहीं, जो हराम को मानने वाले हैं उनका भी माथा खाली सिर पर शिखा नहीं, किसके पीछे छुपे? आज मर्ज संस्कार विहीन है। आज हम पूजा पता नहीं कैसे करते हैं, शिखा के बिना तो पूजा है ही नहीं। तुम्हारी एक रुपए की पूजा नहीं है, जाओ इस यज्ञ का कोई फल नहीं अगर शिखा नहीं है। किसी पूजा का कोई फल नहीं, देवी की पूजा करो, देवता की पूजा करो, मैं प्रमाण सहित कह सकता हूं महाराज। 16 संस्कार होते हैं, उनमें एक शिखा संस्कार है, एक यज्ञोपवीत संस्कार है। मोक्ष तो उसके लिए है जो 16 संस्कारों को पूर्ण करे, और जिसके संस्कार ही पूर्ण नहीं उसको मोक्ष उसको परमात्मा मुंह लगाएगा। इसलिए हम कहते हैं जब कभी हमें वास्तव में पता नहीं है, कोई पूजा कर रहा हूं, हम कहते हैं सिर ढकले सिर ढकले, सिर नहीं ढकना, मुंह छुपा ले भगवान से कि मेरे सिर पर शिखा नहीं, चलो मुंह छुपा ले। जिसके सिर पर शिखा है उसके लिए सिर ढकने का विधान नहीं है महाराज, मुझे बता दे कहीं पे लिखा है। अतर्किक बातें नहीं है, कुतर्किक बातें नहीं है, तार्किक बातें हैं। आज महाराज हमारी ही कोई बेटी पीछे चोर पड़े हों, चेन खींचने वाले, तो किसके पीछे छुपेगी? दोनों के माथे खाली हैं, दोनों के माथे पर तिलक नहीं, चोर के भी और सनातनी के भी, दोनों के सिर पर शिखा नहीं, चोर के भी और सनातनी के भी, किसके पीछे छुप? और छुपती तो वो किसी सनातनी को सोचकर है जिसके हाथ में कलावा हो, और निकलता वही चोर है। इसलिए 35 टुकड़े, और ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे साथ भी होने वाला है थोड़े थोड़े दिनों में। तुम अपने बच्चों को शिखा मत रखवाओ, तुम्हारे घर में जब होगा तुम्हें पता पड़ जाएगा। ब्राह्मण की चर्चा चली थी महाराज, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण,
भगवान ब्राह्मण के लिए कभी अवतार नहीं लेता, पूरी गारंटी है महाराज। ब्राह्मण भगवान का प्रतिनिधि भी नहीं है, पूरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि नाम के ब्राह्मण को भगवान ने क्या करना, आचार डालेगा उसका। ब्राह्मण का जब सातवें साल में जनेऊ होता है, संस्कारात द्विज उच्यते, जब वो द्विज बनता है, जब उसको वेद पढ़ने का अधिकार मिलता है, जब वो त्रिकाल संध्या करता है, जब वो केवल गायत्री माता को अपनी अधिष्ठात्री देवी मान करके केवल गायत्री साधक बनता है, तब वो द्विज बनता है। और 12 साल वेद पढ़ने के बाद जब वो वेदोत्तीर्ण वेदांताचार्य हो जाता है, तब उसको कहा जाता है ये विप्र हो गया। और विप्र देवता की जय, ब्राह्मण देवता की जय नहीं। और भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कहीं नहीं लिखा ब्राह्मण के लिए अवतार लोग, हर जगह लिखा जा तो द्विज के लिए या विप्र के लिए। तुम्हारे लिए भगवान नहीं आएगा, तुम इस भूल में मत रहना, तुम्हारे लिए भगवान आएगा। कंधों पर जनेऊ नहीं, सिर पर छिखा नहीं, और तुम भगवान को पाना चाहते हो। संस्कार विहीन है महाराज। पूजा भी करनी हो तो उसका भी ड्रेस कोड होता है, कोई धोती डालनी पड़ती है, कुर्ता डालना पड़ता है, सिर पर शिखा, तिलक। अंगन्यास करते हो तो कैसे रखते हो हाथ, मनोभाग प्राण चक्षु चक्षु श्रोतम नाभि हृदय कंठ शिर शिखायाम, कहां है शिखा? तुम्हारा तो अंगन्यास भी पूर्ण नहीं, तुम पूजा कैसे करोगे? तो अंगन्यास भी कहा, शिर शिखायाम, शिखाए मखट। जब शिखा की बात आती है, कहते हैं भगवान का आदेश है, पहले मनो वाग प्राण चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रम नाभि हृदय कंठ शिर शिखाया, कहां है शिखा? दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी, कोई तुक नहीं बनता महाराज, कोई तुक नहीं, सिर्फ 12,000 शब्द हैं अंग्रेजी में। और 12,000 में भी सिर्फ 3,000 या 3200 शब्द अपने हैं, बाकी मैक्सिमम शब्द जो हैं डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच, अपना कुछ है ही नहीं, कोई व्याकरण का बोध नहीं। स्वरों के नाम पर बस वो 5 ए ई आई ओ यू, और तुम समझते हो तुम्हारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ के बड़ा विद्वान हो गया। मूर्खों की भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। जो देश इंग्लैंड के गुलाम रहे, केवल उन देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। नहीं तो चाइना में क्या बोला जाता है? चाइनीज। जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, रशिया में रशियन। अंग्रेजी बोली कहां जाती है? अंग्रेजी बोली जाती है तो हम जैसे मूर्खों के घर में, कहीं पे के साइलेंट है, कहीं पे एच साइलेंट है, कोई तुक नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे इससे अच्छी तो हमारी संस्कृत भाषा है, 2.5 लाख शब्द हैं हमारे पास, 2.5 लाख, अकल्पनीय। इसलिए पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटो। तुम विश्वगुरु हो, तुम्हें जरूरत नहीं किसी को बताने की। अरे 150-200 साल पहले अमेरिका को, नासा को पता चला है, अमेरिका को, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। हमारे पंडित जी तो लाखों वर्षों से कह रहे हैं चलो नवग्रह मंडल बनाओ और पूजा करो। ब्रह्मा मुरारी स्थिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो वदश्च गुरु शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। अरे हम 9 ग्रहों की पूजा तो आदिकाल से कर रहे हैं, हमें पहले से पता है 9 ग्रह हैं, तुम क्या बताओगे? इसलिए संस्कृति की ओर लौटो। शिखा ब्राह्मण की निशानी नहीं है, शिखा हिंदू की निशानी है, शिखा रामकृष्ण को मानने वाले की निशानी है। तिलक सनातनी का अधिकार है, किसी एक जाति का नहीं। इसलिए अपने बच्चों को मूर्ख मत बनाओ, अपने बच्चों को नशों से बचाना है तो शिखा रखवाओ। जिसके सिर पर शिखा है वो शराब की दुकान में नहीं जाएगा महाराज, शर्म आएगी। यही एक 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 मात्र उपाय तुम्हारे पास पहुंचा है, नहीं तो महाराज कठुआ में चिट्टा खा गया तुम्हारे बच्चों। बचा लो अभी भी समय है, रखवाओ शिखा सब, तो बाकी चिंता नहीं करनी ज्यादा। अपने कर्मों को पूर्ण करो, अपने संस्कारों को पक्का करो, और बाकी सब किस पे छोड़ दो।
हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। जय जय दस कंदर देखा आवा निकट जती कर बेचे।
रावण पहुंचा है। लक्ष्मण रेखा को पार करना चाहता है लेकिन लक्ष्मण रेखा पार नहीं होती। लक्ष्मण रेखा पार नहीं हुई तो बाहर से ही पुकारने लगा, देवी भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। तो श्री सिया जो सरकार आई, हे देवता रुकिए मैं भिक्षा लाती हूँ। भिक्षा लेकर आई तो कहता है बाहर आके दो। तो श्री जानकी जी ने कहा लक्ष्मण रेखा है नहीं पार कर सकती, तो ठीक है फिर मैं जा रहा हूं, जाऊं मैं देख पा रहा हूं त्रिकालदर्शी हूं, तुम्हारा पति हिरण के पीछे गया है और तुम्हारा देवर भी उसके पीछे गया है, दोनों संकट में हैं। यदि तुम चाहते हो उनका अनिष्ट ना हो तो बाहर आके भिक्षा दो। तो श्री जानकी जी ने कहा मैं बाहर नहीं आ सकती। और फिर श्री जानकी जी और रावण में हुआ संवाद। जोगी मैं बार ना आवां, जोगी मैं बार ना, आलक आलक पिया तुझ गावे, आलक आलक पिया तुझ गावे, तरह तरह दे जोगी ज्ञान सुनावे, तरह तरह दे जोगी ज्ञान सुनावे, आलक आलक पिया तुझ गावे, आलक आलक पिया तुझ गावे, तरह तरह दे जोगी ज्ञान सुनावे, तरह तरह दे जोगी ज्ञान सुनावे, ना जानू की कपट कमावे, छलिया सब संसार रे। जोगी मैं बार ना आवा, जोगी मैं बार ना आवा, लक्ष्मण ने निकाली हकार रे, जोगी मैं बार ना आवा, जोगी लक्ष्मण जी ने कार निकाली, लक्ष्मण जी ने कार निकाली, लो भिक्षा जोगी जाओ ना खाली, लो भिक्षा जोगी जाओ ना खाली, लक्ष्मण जी ने कार निकाली, लक्ष्मण जी ने कार निकाली, लो भिक्षा जोगी जाओ ना खाली, लो भिक्षा जोगी जाओ ना खाली, सूरत तेरी भोली है देवी, अगर भिक्षा देनी है तो बाहर आना पड़ेगा, तुमने क्या समझ लिया हम कौन है? देवी मैं भिक्षा ना देवा, देवी मैं भिक्षा ना
भिक्षा ना ले मान, देवी में भिक्षा ना ले मान, बंधन में ना हो फकीर रे, देवी में भिक्षा ना ले मान, देवी में भिक्षा ना ले मान। रावण कहता है क्या, कर्म हमारा अलख जगाना, कर्म हमारा अलख जगाना, कर्म हमारा अलख जगाना, पाप कपट नहीं मन में लाना, पाप कपट नहीं मन में लाना, कर्म कपट नहीं मन में लाना, पाप कपट नहीं मन में लाना, बड़ा कठिन है जोग कमाना हो, बड़ा कठिन है जोग कमाना, बड़ा कठिन है जोग कमाना, घर तू मन में धीर रे, देवी मैं भिक्षा ना ले मान, देवी मैं भिक्षा ना ले मान, बंधन में ना हो फकीर, हम नहीं कोई रोगी भोगी, हम नहीं कोई रोगी भोगी, अरे मांगने वाला समझा है क्या, सिद्ध सिद्ध सिद्धेश्वर योग जोगेश्वर हूँ, शंकर जी का शिष्य हूँ, हम नहीं कोई जोगी भोगी, हम नहीं कोई रोगी भोगी, तो भिक्षा देवी जाता है जोगी, तो भिक्षा जोगी जाता है जोगी, हम नहीं कोई रोगी होगी, हम नहीं कोई तो भिक्षा देवी जाता है जोगी, तो भिक्षा जाता है जोगी, क्या देवी तुम भिक्षा न दोगी हो, क्या देवी तुम भिक्षा न दोगी, क्या देवी तुम भिक्षा न दोगी, कैसी है जेल लकीर रे, देवी मैं भिक्षा श्री जानकी जी को बाहर आना पड़ा, और जैसे ही बाहर आई तो रावण ने पकड़ा नहीं, हाथ जोड़ लिए, हे देवी अब भक्ति हो मेरे साथ चलो। अनेकों रामायणों में तो ऐसा लिखा है, श्री जानकी जी ने, रावण ने जब हाथ जोड़े तो जानकी जी ने कहा क्या चाहिए, हे मां भक्ति चाहिए, आप चलो तभी तो राम जी, भक्ति चलेगी तो भगवान पीछे पीछे आएगा, इसलिए रावण ने महल में नहीं रखा, वाटिका में रखा। मां रथ पर बैठी है, रावण से रथ हांका नहीं जा रहा, कांप रहा है, और दुनिया को लीला दिखाने के लिए कहा रुक तू, अभी रघुनाथ जी आएंगे और तुझे तेरा दंड देंगे, और वही रावण जब रथ को हांकता हांकता आगे गया तो एक बूढ़ा सा पक्षी है जिसका नाम है जटायु, मां चिल्लाते हुए जाने लगी लीला करते हुए, अरे बचाओ, मैं रघुनाथ जी की पत्नी हूं, मेरा हरण करके ले जा रहा है। तो जटायु ने नीचे से ही देखा और ऊपर जाकर कहता है पुत्री चिंता मत करो मैं आ गया। अब जटायु ने पुत्री क्यों कहा, श्री जानकी जी तो जगन माता है, पुत्री क्यों कहा, तो एक कथा है, कल श्री महाराज जी से चर्चा हो रही थी तो महाराज ने कहा यह कथा जरूर सुना, जिस समय दशरथ जी का विवाह नहीं हुआ, कुआरे हैं, देवों में और दानवों में युद्ध हुआ,
राजा दशरथ देवताओं की तरफ से लड़े तो देवता बन गए मित्र, एक बार घूमने गए स्वर्ग, इंद्र से जिद की मुझे नवग्रहों के दर्शन करने हैं, सबसे मिल लिया, उंगली पर गिने सूर्य भौम बुध बृहस्पति शुक्र राहु केतु चंद्र, एक तो कम है, आठ हो गए, कौन सा कम है? महाराज शनि कम है, तो शनि से मिलने चले? नहीं महाराज, शनि से नहीं मिलना, क्यों? क्योंकि शनि जब मिलेगा तो उसकी दृष्टि आप पर पड़ेगी, और जब शनि की दृष्टि पड़ गई तो पीछे बचा क्या, समझ लो साढ़े सात ही पड़ गए। नहीं, मुझे मिलना ही मिलना है, बड़ी जिद की तो ले गए, चलिए महाराज चलो शनि से मिलवाते। तो ले गए शनि के पास, तो दरवाजा खटखटाया, हे शनि देव कौन है? मैं इंद्र हूं, मेरा मित्र दशरथ मिलना चाहता है। अच्छा, शनि ने कहा मैं किसी से नहीं मिलता, जाओ जाओ वापिस, नहीं मिलना ही मिलना है। तो शनि ने कहा रुको थोड़ी देर, कहा दरवाजा खोलो अंदर आओ। जैसे ही दशरथ अंदर गए तो शनि ने दीवार की तरफ मुंह किया है और दशरथ की तरफ पीठ की है, तो दशरथ को लगा मेरा अपमान हुआ। हे शनि, तुम घर में आए अतिथि का अपमान करते हो, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का स्वरूप है, तूने मेरा नहीं भगवान का अपमान किया है, यदि अब भी लज्जा है तो मेरी तरफ देख। तो शनि ने क्या कहा कि शनि देव बड़े प्यार से बोले, शनि देव बड़े प्यार से बोले, राजन मुझे पुकारो ना, हो अपने हाथों ग्रस्त भाग्य पर आप कुलाड़ी मारो ना, अपने हाथों ग्रस्त भाग्य पर आप कुलाड़ी मारो ना। लेकिन कृष्ण जी ने जिद की, बड़ी जिद की, और तभी इंद्र ने कहा क्या, तभी इंद्र जी ये समझाते हैं, तभी इंद्र जी ये समझाते हैं, राजा दशरथ को ये समझाते हैं, राजा दशरथ को ये समझाते हैं, बहुत है आपका सम्मान किया, 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 तभी तो अब तक है दर्शन ना दिया, 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 इनकी दृष्टि जिस पर भी हो जाए, इनकी दृष्टि जिस पर भी हो जाए, समझ लो किस्मत उसकी सो जाए, समझ लो किस्मत उसकी सो जाए, चाहे वो राज का अधिकारी हो, चाहे वो राज का, चाहे वो राज का अधिकारी हो, चाहे वो राज का अधिकारी हो, बनेगा दर दर का भिखारी हो, बनेगा दर दर का भिखारी हो। बड़ी जिद की, और राजा ने ललकार दिया, कितनी बार? छह बार, और ढैया होता है ढाई साल का, तो छह बार के हिसाब से जब शनिदेव को क्रोध आया तो दशरथ की ओर देख करके क्या बोले कि क्रोध में आ शनिदेव जू बोले, क्रोध में आ शनिदेव जू बोले, उजड़ा भाग्य तुम्हारा है, एक बार नहीं तुमने मुझको शेष बार ललकारा है। हे राजा, तू मेरा मुंह देखना चाहता है, देख, और दृष्टि डाली दशरथ पर और कहा 14 साल के लिए मैं अयोध्या पर रहूंगा, और 14 साल में ही तेरी मृत्यु होगी, तेरे जिस पुत्र के हिस्से में राज होगा वो वनवासी हो जाएगा, और जिसको तू राजा बनाएगा वो राजा नहीं, वो भी दास बनकर रहेगा, जा। और जैसे ही देखा तो दशरथ हो गए मूर्छित, गिरे नीचे, नीचे गिरे तो जब आंखें खुली तो देखा जिंदा हूं, और आगे एक गिद्ध ने पकड़ रखा है जिसका नाम है जटायु। दशरथ ने कहा रे मित्र, तुमने मेरी रक्षा की, आज से तुम मेरे मित्र मांगो क्या चाहिए। तो जटायु ने कहा अभी अभी तेरी जान बचाई, क्या देगा,
मेरी दी जिंदगी पर जीता है और मुझे देने की कहता है। नहीं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, रघुवंशी हूँ। जैसे ही सुना रघुवंशी है, राम इसका पुत्र बनेगा, तो जटायु ने कहा, कहा जटायु ने है राजन, कहा जटायु ने है राजन, किया वचन देना होगा, जो पहला लड़का हो तेरा वो मुझको देना होगा, जो पहला लड़का हो तेरा वो मुझको देना होगा। तो दशरथ ने कहा, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, और क्या पता हो भी ना, और क्या पता बच्चे भी ना हो। तो जटायु ने कहा, वो नहीं पता मुझे, लेकिन लड़का जो पहला वो मुझे दे देना। समय के अनुसार दशरथ जी के 3 विवाह हुए, पुत्र हुए 4, और दशरथ जी सोना चांदी लुटा रहे हैं, लंबी लाइन लगी, सबसे अंत में खड़े हो गए जटायु। और जैसे ही दशरथ जी ने जटायु को देखा तो मुंह फेर लिया, पुत्र मोह में कि कौन है। जटायु ने कहा, मित्र पहचाना नहीं। दशरथ ने कहा, नहीं, क्या चाहिए? सोना चाहिए, हीरे चाहिए, जो चाहिए ले जाओ, पहचान करने की क्या आवश्यकता है, जितना चाहिए ले जाओ। जटायु ने कहा, नहीं, याद करो तुमने मुझे वचन दिया था क्या, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू वरु वचन न जाए। जैसे ही रघुकुल की दुहाई दी, दशरथ जी का कलेजा फटा, राम को ले आए, दे दिया जटायु को। जटायु ने रखा पंजों में, उड़ा। अब उड़ा तो राम जी को हुई चिंता कि मैं गिद्धों में रहूंगा तो रावण को कौन मारेगा। अपना वजन बढ़ा लिया और जटायु के पंजों से छूट करके गिरे पत्थर पर। जटायु ने कहा, ओ मेरा पुत्र मर गया। और जैसे ही नीचे आए तो सामने कौन खड़ा है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमलनयनम योगिर्विद्यानगम्यम वंदे विष्णु बब्बय हरम सर्वलोकेकनाथम। जटायु ने कहा, प्रभु मैंने तो पुत्र मांगा था, तुम तो मेरे ही पाप बन के खड़े हो गए, पुत्र बन जाओ। तो भगवान ने कहा, पुत्र क्यों चाहिए, मैं मरूं, मेरा श्राद्ध करे, मेरा पिंड दान करे, इसलिए चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्यों ले जाना। एक वचन मेरे पिता ने दिया, एक मैं भी देता हूँ, जब मेरा पिता मरेगा मैं उसके पास नहीं रहूंगा, उसका पिंड दान नहीं करूंगा, उसको अग्नि दान नहीं करूंगा, लेकिन हे जटायु, तुम्हारे मरने से पहले मेरी गोद होगी, तुम्हारी चिता को अग्नि मैं दूंगा, तुम्हारा पिंड दान श्राद्ध चौवर्षी सब कुछ मैं करूंगा, ये मेरा वचन है। आज उसी जटायु को याद आया, मेरे पुत्र राम की पत्नी है, मेरी बहू है, इसलिए कहा, हे पुत्री चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। और महाराज, भारत के एक बूढ़े पक्षी की सुंदरता देखिए, हमारे देश में नारी के सम्मान के लिए रावण जैसे पहाड़ से टकराने का दम रखता है, नहीं तो लड़ नहीं सकता था जटायु रावण से। लेकिन घर की अस्मिता का सवाल है, भिड़ गया रावण से, रावण ने दोनों पंख काट दिए और नीचे गिरा। उधर लक्ष्मण जी को जैसे ही राम जी ने देखा तो भागते हुए पंचवटी में पहुंचे, और पंचवटी में पहुंच करके यहां तहां से जानकी जी को ढूंढने लगे। महाराज, जैसे ही राम जी पहुंचे, महाराज उस मार्मिक दृश्य का दर्शन करिए, राम जी पूरे आवेश में, हे वन के वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई, हे कुटी कुटी तू ही बतलाबो इधर गई या उधर गई, कुटी कुटी तू ही बतलाबो इधर गई या उधर गई, हे कुटी कुटी तू ही बतलाबो इधर गई या उधर गई, कुटी कुटी तू ही बतलाबो इधर गई या उधर गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
हंसनी कहाँ गई, वो राज हंसनी कहाँ गई, वो राज हंसनी कहाँ गई। सिंह गर जो और बतलाओ, वो राज सिंह ने कहाँ गई, वो राज सिंह ने कहाँ गई, वो राज सिंह ने कहाँ गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे वन के वृक्षो बोलो, वन देवी किधर गई, बोलो वन देवी किधर गई, बोलो वन देवी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला, वो इधर गई या इधर गई, इधर गई या उधर गई, वो इधर गई या उधर गई, वो इधर गई या उधर गई। श्री सीताराम चंद्र भगवान। भगवान आगे ढूंढते ढूंढते गए तो जटायु को देखा महाराज। तो राम जी जैसे पहुंचे जटायु के पास, अरे जटायु, अरे पुत्र तुम आ गए। जटायु जी को गोद में लिया और लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ तुम अंत्येष्टि की तैयारी करो। हे जटायु, ये तुमने क्या कर लिया? हे जटायु, अमर कर दूं, लंबी उम्र कर दूं? नहीं मेरे प्रभु, तुम्हारी गोद है और अंतिम श्वास यही चाहिए। जटायु जी की तरह सीखिए महाराज, प्रेम करना है तो किससे करना है? जटायु जी से सीखिए महाराज, हमारी प्रीति हो तो किससे हो? क्या कि जग में जगन्नाथ से बढ़ के सच्चा मीत कोई ना, ओ प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से पढ़ के सच्चा मीत कोई ना, जग में जगन्नाथ से पढ़ के सच्चा मीत कोई ना, प्रभु से बढ़ करके निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ करके निभावे जग में प्रीत कोई ना। मांसाहारी हूँ, मांस खाता हूँ, लेकिन कितने पतितन की पतराखी कणिका गीत अजामिल साखी, कितने पतितन की पतराखी कणिका गीत अजामिल साखी। मां शबरी के बनफल चाखी, मां शबरी के बनफल चाखी, अगणित ठोर माधुरी भाखी, अगणित ठोर ऐसा प्रेम पार की प्यारा, ऐसा प्रेम पार की प्यारा, परम पुनीत कोई ना, परम पुनीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। मुझे अपनी शरण में ले लो, ये जटायु जी ने कहा। और क्या कहा? प्रभु ने गौतम की दी तारी, प्रभु ने गौतम की दी तारी। अरे अहिल्या ने तो अपने चरित्र का नाश किया, तुमने उसे भी तारा है। प्रभु ने गौतम की दी तारी, प्रभु ने गौतम की दी तारी, कीनी केवट हूँ से यारी, कीनी केवट
सबको सब विधि किए सुखारी, सबको सब विधि किए सुखारी, इतनी जानी मानी और प्रीत की रीत कोई ना, इतनी जानी मानी और प्रीत की रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। चाहते हैं लेकिन भगवान ने जटायु के चरणों में सिर रखा और कहा, हे जटायु, मैं आज तक सबका पिता था लेकिन आपका पुत्र बनूंगा मैं, और पुत्र बनकर ही तारूंगा। क्या प्रभु ने पिता तुल्य खग चीना, प्रभु ने पिता तुल्य खग चीना, खग कहते हैं पक्षी को, पिता तुल्य खग चीना, प्रभु ने पिता तुल्य खग चीना, प्रभु ने पिता तुल्य खग चीना, अग्नि दान लेने लगे, निज कर श्राद्ध गीत का कीना, निज कर श्राद्ध गीत का कीना, केवल अग्नि दान ही नहीं दिया है जटायु, तुमने मेरे सियाजू के लिए प्राण दे दिए, मैं तुम्हारे उपकार से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कृतया भार शीश धर लीना, कृतया भार शीश धर लीना, अपना रूप चतुर्भुज दीना, अपना रूप चतुर्भुज दीना, किसी के कृत को इतना राखे, कृत को इतना राखे, किसी के कृत को इतना राखे, किसी के कृत को इतना राखे, अपने चीत कोई ना, अपने चीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। सत्य सनातन धर्म को छोड़ कर जिसके पास सतगुरुदेव श्री पूर्णगिरि जी महाराज जैसे, श्री शांतिगिरि जी महाराज जैसे गुरु हो, वो गले में क्यों डाले। जो जन माया में भर माया, सोनर दर दर ठोकर खाया, जो जन माया में भर माया, सोनर दर दर ठोकर खाया, जिसको सतगुरु ने अपनाया, जिसको सतगुरु ने अपनाया, जिसको सीताराम अपनाया, जिसको सीताराम अपनाया, उस पर सतत कृपा की छाया, उस पर सतत कृपा की छाया, प्रभु की चरण चरण में आए रहा भयभीत कोई ना, प्रभु की चरण चरण में आए रहा भयभीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे। Thank you.
उसने पर उपकार कमाया, मन से रघुनंदन को ध्याया। जिसने पर उपकार कमाया, मन से रघुनंदन को ध्याया। और रसना राम नाम गुण गाया, रसना राम नाम गुण गाया। उसने सफल बना ली काया, उसने सफल बना ली काया, उसने सफल बना ली। महाराज एक कोड़ी के ने दुनिया के सारे भजन, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एक कोड़ी के नहीं, कोड़ी के एक पैसे के नहीं, जो इस भजन में दम है क्या। सीता राम नाम गीतन से बढ़कर गीत कोई ना, सीता राम नाम गीतन से बढ़कर गीत कोई ना, है नहीं। जो मजा सीता राम नाम धुन में है वो किसी भजन में नहीं। सीता राम 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 सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। इसलिए सीता राम नाम गीतन से बढ़कर गीत कोई ना, श्याम नाम कीर्तन से बढ़कर गीत कोई ना, राधे श्याम नाम कीर्तन से बढ़कर गीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जय जय इधर उधर ना भटके, नारायण सुमिरन में अटके। मन अब इधर उधर ना भटके, नारायण सुमिरन में अटके। मन अब इधर उधर ना भटके, नारायण सुमिरन में अटके। मन अब इधर उधर ना भटके, नारायण सुमिरन में अटके। और सीता राम नाम नित रटके, सीता राम सीता राम नाम नित रटके, सीता राम नाम नित रटके। मन अब इधर उधर ना भटके, नारायण सुमिरन में अटके। मन अब इधर उधर ना भटके, नारायण सुमिरन में अटके। सीता राम नाम नित रटके, सीता राम नाम नित रटके। बेड़ा पार होए बेखटके, बेड़ा पार होए बेखटके, बेड़ा पार होए बेखटके, बेड़ा पार होए बेखटके। क्यों मन बना लो, हमारे पीछे मांडली गौशाला से आए हैं गौ भक्त, इनका संकल्प है करोड़ों में, आठ की बारह 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 करोड़ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप का, 12 करोड़ फरवरी महीने तक। एक पति और पत्नी यदि 10 माला रोज की करें तो सवा लाख जाप तो उसका हो जाएगा, एक पति पत्नी का। तो ऐसा कोई है जिसका मन है मैं इस आहुति में, यज्ञ में आहुति दूं, तो ये नाम लिखवा देना थोड़े लड़कों के पास पर्ची और माला लेकर के घर में करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। इसलिए गा रहा हूं क्या, मन अब इधर उधर ना भटके, नारायण सुमिरन में अटके। मन अब इधर उधर ना भटके, नारायण सुमिरन में अटके। रो
सब गाइए। सीता राम नाम नित रटके, सीता राम नाम नित रटते, बेड़ा पार होए बे खटके, बेड़ा पार होए बे खटके। और मन मना लो, मन के हार जीत से अधिक हार और जीत कोई ना, मन के हार जीत से अधिक और कोई हार जीत ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में जगन्नाथ से पढ़ के सच्चा मीत कोई ना, जग में जगन्नाथ से पढ़ के सच्चा मीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जटायु जी का संस्कार करके भगवान गए शबरी माँ के आश्रम में। शबरी शबर नाम का एक भील सरदार उसकी पुत्री थी। शबरी का विवाह रखवाया तो शबरी बड़ी खुश होती थी। पता नहीं विवाह किसको बोलते हैं, लेकिन रात को बाहर आई तो देखा बकरे बांधे हैं। क्यों बांधे हैं? सुबह कटेंगे, सब में बटेंगे, सब खाएंगे। तो शबरी ने कहा ऐसी शादी नहीं करनी जिससे किसी की जिंदगी जाए। रात को भाग गई। हमारी लड़कियां भी भागती हैं और शबरी भी भागी है। भागने में अंतर देखिए, हम भागते हैं होटलों में और शबरी भागी है महामुनि मतंग ऋषि के आश्रम में। और मतंग कौन है? श्री हनुमान जी के माता पिता माता अंजना और केसरी के गुरु हैं, वही गुरु माँ शबरी के हैं। और शबरी की भक्ति को देखकर मतंग ऋषि ने कहा पूरी दुनिया भगवान के लिए दर दर भटकती है, हे शबरी तेरी सेवा ऐसी है भगवान भटकते भटकते तेरे दर पर आए। ऐसा नहीं शबरी की परीक्षा नहीं ली। जिस रास्ते को शबरी साफ करती है, साधु ने कहा भील जाति की है, मांस खाने वाली जाति की, शुआशू थी लेकिन शराब और मांस वाले के साथ। ऊंच जात नीच जात की छुआछूत नहीं थी। जो शराब पीता है वो ब्राह्मण होकर भी मरज स्पर्श योग्य नहीं है, और जो भक्त है वो चाहे किस जाति में है वो तो पूजनीय योग्य है। महाराज हम कभी नहीं देखते कि चोले के अंदर इस भगवा के अंदर किस जाति का कोई कोई व्यक्ति खड़ा है। हम उसको संत भगवान की जय कह के ही उसका सम्मान कर गए हैं। ऐसी भावना हमारे मन में जगे। शबरी की परीक्षा ली, ये भील जाति की है मांस खाने वाली जाति की। रास्ता अशुद्ध हो जाता है, हमारे सरोवर का स्नान नष्ट होता है। तो परमात्मा ने सुनी जिस निर्मल सरोवर का जल सबको पवित्र करता था वही जल आज खून की तरह रक्त की तरह लाल हो गया। साधुओं ने सारे उपाय कर लिए, अंत में महामुनि मतंग के पास पहुंचे तो मतंग ने कहा एक भक्तन के दिल को दुखा करके तुम भक्ति का उपदेश देते हो, जाओ उसके चरणों को धो करके वह जल उस सरोवर में डालो। और जैसे ही शबरी जी के चरणों का जल सरोवर में डाला जल पुनः पवित्र हुआ। मतंग जी ने जिस समय कहा शबरी राम मिलने आएंगे, भरी जवानी में है 16-17 साल की, आज बूढ़ी हो गई है महाराज लेकिन विश्वास नहीं टूटा मेरे राम आएंगे, मेरे गुरु ने कहा है। तुम तो 1.5 महीने में ही है माता रानी मेरी, जेवली सुखन पूरी कर, नहीं हुई चलो डाल लो गले में कुशोर। शबरी माँ का धैर्य देखी, अरे भक्ति हो तो शबरी माँ जैसी महाराज, भरी जवानी में लिया है आशीर्वाद लेकिन आज बूढ़ी हो गई है। शबरी माँ का धैर्य देखा, शबरी माँ की परीक्षा देखी, अब शबरी माँ की सेवा देखिए। गुरु ने कहा है राम आएंगे लेकिन कहां से आएंगे पता नहीं, इस रास्ते आए इस रास्ते इस रास्ते, जंगल के सारे रास्ते साफ करते हैं। सेवा देखी और शबरी माँ की भक्ति देखिए, रोज फूल और रोज वो फल श्री रघुनाथ जी के लिए तोड़कर रख रही है। आहा।
राम जी आए हैं द्वारे पर। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सबरी देखी राम ग्रह आए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मुनि के वचन समुझ जिय भाए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दो युवक आ रहे हैं, जिस समय शबरी जी को वरदान दिया था गुरु जी ने कहा था दो आएंगे और पांच निशानियां बताई थी, पांच निशानियां शबरी, पांच निशानियां मिल जाए तो समझ लेना राम और लक्ष्मण आए हैं। पहली निशानी कौन सी? सरसिज लोचन बाहु विशाला, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सरसिज लोचन, भगवान की आंखें कैसी होगी? नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम, जिसकी कमल जैसी आंखें वो समझ लेना राम है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, लंबी लंबी भुजाएं होंगी, भगवान होंगे अजान बाहु। देखा पहली निशानी, कमल जैसी आंखें, पहली निशानी मिल गई, नाचने लगी। अच्छा दूसरी क्या कही थी? बाहु विशाला, लंबी भुजाएं हैं, लंबी भुजाएं हैं, नाचने लगी, अरे राम है राम है राम है। लेकिन तीन निशानियां और हैं, तीसरी निशानी लगे मिलाने। जटा मुकुट सर उर मन माला, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जटा मुकुट सिर उर मन माला, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिर पर जटाओं का मुकुट होगा है, है। नाचने लगी, तीन मिल गई, तीन मिल गई। उर बनमाला, गले में बनमाल होगी है, है। चार मिल गई और पांचवी निशानी क्या कही थी? साम गोर सुंदर दो भाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। साम गोर सुंदर दो भाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक सामला होगा, एक गोरा होगा, पांचवी निशानी। सामला भी है गोरा भी है, साम गोर सुंदर दो भाई, लेकिन दोनों भाई होंगे। अब शबरी पांचवी निशानी गिन रही है कि राम जी पास पहुंच गए। राम जी ने कहा मां क्या देख रही हो? तो मां ने कहा चार तो मिल गई, पांचवी आधी साढ़े चार हो गई। साम गोर, एक सामला है एक गोरा, लेकिन एक माँ के पेट से सामला और गोरा कैसे पैदा हो सकते हैं? क्या तुम दोनों भाई हो? तो राम जी ने जैसे ही गर्दन लड़ाई, हाँ माँ हम भाई हैं। अरे महाराज शबरी माँ ने पूरी लोक लज्जा त्याग दी, लोक चरणों में पड़ते हैं। शबरी माँ ऐसे लिपटी है जैसे नाग लिपटता है महाराज। सबरी परी चरण लिपटाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सबरी परी चरण लिपटाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रेम मगन मुख आव न बचना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सागर जल तय चरण पखारा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पुनि सुंदर आसन बैठारे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे भगवत, हे नाथ, बस नाथ ही कह पाई और भगवान के चरणों में माथा रख करके ऐसे पकड़ा है जैसे बच्चा अपने बाप की टांग को पकड़ लेता है। हे नाथ इतनी देरी लगा दी, मुझे भक्तन से ऐसा क्या अपराध हुआ जो इतनी देरी लगा दी? और आंसुओं से महाराज पूरे चरणों का पखारण कर दिया है। तभी होश आई, अरे मेरे भगवान आए हैं, मैंने स्वागत नहीं किया, प्रभु मैं लोटा लेकर आती हूँ, आपके चरण धोने हैं। तो भगवान ने कहा हे माँ, अरे तुमने तो उस अश्रुओं से, उस जल से, नेत्राश्रु जल से मेरे चरणों का पखारण किया है, जिस जल की पवित्रता का मुकाबला तो गंगा जल भी नहीं कर सकता। मां गंगा जी
भाव की पवित्रता की परिकाष्ठा है, लेकिन तुम्हारे आंसू भाव की पराकाष्ठा है। माँ माँ और किससे धोना चाहती हो चरण? सुंदर आसन पर बैठाया और माँ कहती है, प्रभु मैं नहीं जानती तुम्हारी स्तुति कैसे करनी है, मैं अनपढ़ हूँ। तो प्रभु ने कहा, भक्ति पढ़ो लिखो का काम नहीं, भक्ति का नाम तो पढ़ लिख कर अनपढ़ बनने का नाम भक्ति है महाराज। नहीं तो पढ़े लिखे तो नास्तिक बनते हैं, कम्युनिस्ट बन जाते हैं। भक्ति तो पढ़ लिख करके अपनी पूरी भक्ति को शून्य करने का नाम है महाराज। केही विधि स्तुति करो तुम्हारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अधन जाति में जड़ पति भारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। धन बल पर जन गुण चतुराई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे रघुनाथ मैं कैसे मैं क्या खिलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे मेरे स्वामी आए हैं, वो कंदमूलों को तोड़ करके रखा है ले आई। और राम जी से ऐसे कंदमूल पकड़ करके कहती है, हे प्रभु मैं अधम हूँ, मैं भील जाति की हूँ, मांस खाने वाली जाति की, मेरे हाथों से तुम प्रसाद लोगे भगवान, मेरे हाथों से प्रसाद लोगे। भगवान ने कहा, हे शबरी जी आज तुमने मुझे पराया कर दिया, मैं तुम्हारे हाथों से नहीं खा सकता, तुम्हारे हाथों में जाति पाती है, तुम्हारे हाथ शराब मांस, ये हाथों के कर्म है जो मांस काटते हैं, हाथों में जाति पाती है। हे मां तुम मेरी मां नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, यदि तुम मुझसे प्रेम करती तो अपने मुंह से मेरे मुंह में डालती मां, यदि तुम्हारा भाव पक्का होता। इसलिए मां शबरी ने फलों को जूठे करके रघुनाथ जी के मुंह में डाला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अपने मुंह से मेरे मुंह में डालो, तुमने तो मुझसे भक्त और भगवान वाला रिश्ता बना दिया, मैं तो तुम्हें मां समझ के तुम्हारा पुत्र बन के आया हूं, और मां तो अपने मुंह से उगल करके अपने पुत्र के मुंह में डालती है, डालो मां। शबरी जी ने वो प्रेम देख करके हाथ जोड़ लिए। अरे झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं सनातन में जाति पाति का भेदभाव होता है, हमारे झूठे हैं, एक नंबर के झूठे। किसी मंदिर में किसी को प्रवेश करने से किसी आदमी ने रोका होगा, मैं तब मानू जब किसी को कहा हो मेरे राम ने मेरी माँ जानकी ने तू मंदिर में मत आ। कभी मेरे भगवान ने तुमसे कहा नहीं तुम मंदिर में मत आओ, और तुम बैर गुस्सा विरोध मेरे भगवान से पाल कर बैठे हो, क्यों? अरे उसकी टांगे तोड़ो ना जिसने मंदिर जाने से तुम्हें मना किया। मेरे भगवान ने कब मना किया तुम्हें महाराज? तुम क्यों सनातन के शत्रु बन करके आज सांपों की तरह फुंकार रहे हो? तुम हमारे अपने हो, हमें 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 गुस्सा नहीं आता, हमें दुख होता है, कष्ट होता है तो इसलिए कि हमारे अपने भाई आज हमारे खिलाफ खड़े हैं। इस बात का दुख है, इस बात की पीड़ा है, इस बात की अग्नि है हमारे मन में महाराज। अरे लड़ते तो हम शत्रुओं से लड़ भी लेंगे, लेकिन तुमसे कैसे लड़े? तुम हमारे अपने हो महाराज, तुमसे कैसे लड़े? एक ही भारत माँ के हम बेटे हैं, तुम्हारा गला काटे भी तो कैसे काटे? क्या कहेगी दुनिया भाई ने भाई का गला काटा? इसलिए जिसको किसी को राम जी ने मना किया हो वो मंदिर मत आए, लेकिन हमारे राम ने किसी को मना किया नहीं। क्यों क्यों सनातन के शत्रु बनकर सांपों की तरह फुंकार रहे हो? शबरी जी को बैठाया है प्रभु, कह रहे हैं मां जात पात से नहीं मानता किसी को, मैं तो भाव से मानता हूं, मैं तो भक्ति से मानता हूं। सुनो भक्तियां नौ प्रकार की हैं,
नौ प्रकार की भक्ति है। इसको छोड़कर दसवीं कोई दुनिया में भक्ति नहीं। वो कोई अपनी नई भक्ति खड़ी करे तो वो भक्ति नहीं, वो अधर्म है। पहली भक्ति कौन सी? नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सावधान सुन धरु मन माही राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रथम भक्ति संतन कर संगा राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों के श्री चरणों में रहना। पहली भक्ति संतों के श्री चरणों में रहना, संत जैसा कहें वैसा करना। मैं भले ही व्यास हूं, ऊपर बैठा हूं, संत नीचे बैठते हैं, लेकिन मन में अभिमान ना हो कि मैं संतों से बड़ा हूं, मैं भी संतों का पुत्र हूं। जैसे ही व्यास से उतरूं तो संतों के चरणों में पड़ूं। इसलिए समस्त सनातनी का यह धर्म है, सनातनी वही जो संत की शरणागति में रहता हो, ऐसा राम जी ने कहा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दूसरी है मेरी कथा सुनना, मेरा सत्संग सुनना, केवल मेरी कथा, उसमें किसी प्रकार का कोई अपने से मिक्स करके कोई कवाली वाली नहीं रखना। केवल शास्त्रीय संगीत में ही मेरे संगीत को देखो, मेरे पूर्ण पवित्र रूप को ही पवित्रता में देखो। ये दूसरी भक्ति। तीसरी गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान, करे कपट तज गान, करे कपट तज गान। तीसरी भक्ति है जो भी तुम्हारा सदगुरुदेव है उस सदगुरुदेव के चरणों में सेवा करो। ये नहीं गुरु बनाया तो भूल जाओ, गुरु बनाया है तो कम से कम महीने में एक बार जाकर के गुरुदेव की सेवा कर। चौथी भक्ति है मेरे गुण, जो सनातनी नहीं है, जो धर्म छोड़ चुका है उसको सनातनी बनाना, जो चौथी भक्ति है। किसी को भक्त बनाना, जो चौथी भक्ति है। इसलिए तुम में से बड़े सारे हैं जिनके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने घर से रामकृष्ण को निकाल करके कुछ और ही लगा लिया है, उनको पुनः भक्त बनाना ये चौथी भक्ति है। और यदि तुम ऐसा नहीं करते तो भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होगी। पांचवी भक्ति कौन सी? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पंचम भजन सुवेद प्रकाश राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अपने से कोई मेरा मंत्र नहीं बनाना, कोई स्तुति नहीं बनाना। जो मंत्र वेदों में लिखे हैं उसी मंत्रों के द्वारा मेरी स्तुति कर। ये पांचवी भक्ति। छठवी कौन सी है? छठी छठम शील विरत बहु करना राम सिया राम सिया राम जय जय राम। निरत निरंतर सज्जन धर्मा राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तुम्हारे में धैर्य होना चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, शीतलता होनी चाहिए। और जो भक्त हो, जो भारत माँ के भक्त हो, जो सनातन के भक्त हो, उनको तुम भाई बहन की तरह देखो। ये छठी भक्ति है। सातवीं सातव सब मोहि मैं जग देखा राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मोटे संत अधिक करी देखा राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सातवीं भक्ति है बच्चा हो बूढ़ा हो पशु हो पशु पक्षी हो सब में मुझे देख लो। ईश्वर सर्वभूतानां सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट मोहि मैं जाना। सब में मुझे देखना। बच्चे को भी बुलाते हो तो तू मत कहो जी कहो। तुम किसी को तू बोल करके उसकी अंदर बैठे भगवान का अपराध करते हो। इसलिए जिसको भी कहना है जी कहो। और संतों को मेरे भक्तों को मुझसे भी ज्यादा इज्जत मान दो। कोई संत है, कोई कथा व्यास है, कोई समाज का काम करने वाला है, उसको इज्जत मान इतना ही दो जितना मुझे देते हो। आगे आठम जथा लाभ संतोषा राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
सपने होने ही देखूं पर दोषा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आठवीं भक्ति है, मैंने तुम्हें लूला पैदा किया, लंगड़ा पैदा किया, गरीब पैदा किया, काला पैदा किया, गोरा पैदा किया, जैसा पैदा किया उसमें खुश रहो, संतोष करो, और सपने में भी किसी की बुराई मत सोचो। प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन हो, लेकिन जलसी ना हो। और नौमी भक्ति इन सब भक्तियों से श्रेष्ठ क्या? नवम सरल सब सन चल ही ना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मम भरोस ही हर से नचीना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नवम सरल सब सन चल ही ना, दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति है सरल हो जाओ, सादे हो जाओ, ऐसे कपड़े पहनो जिसमें किसी की नजर बार बार तुम्हारी तरफ ना जाए, ऐसे बात करो कि तुम्हारी बात को समझ करके सुन करके सब तुम्हें इज्जत मान से देखे, बुरी दृष्टि से ना देखे, ऐसे चलो कि दुनिया जाते हुए देखे कि किस घर का पुत्र या पुत्री जा रहा है जिसमें इतने संस्कार हैं। सरल हो जाओ, नवम सरल सब सन छल ही ना, मन से छल को त्याग दो और ऐसे बन जाओ जैसा मैं हूं, एकदम सादा। कैसा? शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमनीषम वेदांत वेद्यम भीमम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवर गोपाल चूड़ामणि। शांत बन जाओ, शाश्वत बन जाओ, तुम कभी मर नहीं सकते, ऐसे बन जाओ। अप्रमेय मनगम, तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता ना पड़े, चोर चोरी करके जाए लेकिन तुम्हारी तरफ किसी की उंगली ना जाए कि ये भी हो सकता है, ऐसे बन जाओ, मेरी तरह बन जाओ सरल। और जे नौ भक्तियों का उपदेश दे करके शबरी जी को अपने आप में विलीन करके भगवान आगे चले। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। आज तक की कथा यहाँ, कल कथा में श्री हनुमान जी महाराज का प्रवेश होगा।